हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृताज कुक बुक। मैं हूं अमृता और आज हम बनाएंगे एगलेस मावा केक। ये बहुत ही यमी टी टाइम केक है और इसका टेक्सचर भी एकदम परफेक्ट है। इसे हम बनाएंगे कंडेंस्ड मिल्क और बटर के साथ, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और इसे हम गार्निश करेंगे पिस्ता और बादाम के साथ। बहुत ही रिच केक बनता है ये, एकदम सुपर सॉफ्ट, मुँह में घुल जाने वाला। और खाने से पहले इसे हल्का सा माइक्रोवेव कर लें, गरम कर लें, जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो आइए हम बनाते हैं आज यमी सुपर सॉफ्ट एगलेस मावा केक। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है और बहुत ही सॉफ्ट। एगलेस मावा केक बनाने के लिए हम सबसे पहले 7 इंच के राउंड मोल्ड को बटर से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और इसमें लगाएंगे हम बटर पेपर। मैं यूँ साइड्स में भी बटर पेपर लगा रही हूँ। इसे रेडी करके हम साइड में रख देंगे। सबसे पहले हम एक बाउल में लेंगे 50 ग्राम यानी कि 1/3 कप मेल्टेड बटर और 200 ग्राम कंडेंस्ड मिल्क, यानी कि जो हमें कंडेंस्ड मिल्क का टिन मिलता है उसका आधा, वो 400 ग्राम का होता है। और अब हम इसे अच्छे से विस्क कर लेंगे। मैं यह इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हमें बहुत अच्छे से इसे मिक्स करना है। हैंड विस्क से भी ये होगा लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए आप स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाते जाएं और इसे एकदम लाइट और फ्लफी होने तक इसे अच्छे से फेंट लें। ये देखिए बटर और कंडेंस मिल्क बहुत ही अच्छा मिक्स हो गया है, एकदम लाइट एंड फ्लफी, इसका कलर एकदम चेंज हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून छोटी इलायची पाउडर और 50 ग्राम यानी कि 1/3 कप सॉफ्ट खोया यानी कि मावा। इसे भी मैं हल्का सा इलेक्ट्रिक बीटर के साथ ही मिक्स कर लूँगी। कंडेंस मिल्क, बटर और खोआ हमने बहुत अच्छे से फेंट लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स। मैंने यहाँ लिया है 1 कप यानी कि 150 ग्राम मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। इसे अच्छे से हम छान लेंगे। और अब मैंने यहाँ लिया है 3/4 कप मिल्क। इसे हम धीरे धीरे ऐड करते जाएंगे और बहुत ही हल्के हाथ से सारे इन्ग्रीडियंट्स को हम मिक्स कर लेंगे। सब कुछ बस अच्छे से मिक्स हो जाए और फिर इस पॉइंट पर मैं थोड़ा सा इलेक्ट्रिक बीटर के साथ इसे मिक्स कर लूँगी, बस सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए। और ये देखिए हमारी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है बैटर की, ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी है। और फटाफट अब हम इसे मोल्ड में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और इसे कुछ टैप करेंगे कुछ 10 से 15 बार, जिससे कि एयर बबल्स रिलीज हो जाएं। और लास्ट में हम इसे गार्निश करेंगे कुछ चॉप्ड पिस्ता और बादाम के साथ, जिससे ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और इसे हल्का सा हाथ से प्रेस कर दें। और अब हम इसे बेक करेंगे 107 डिग्री पर कुछ 30 से 35 मिनट के लिए प्री हीटेड ओवन में मिडल रैक पर। ये देखिए कितना सुंदर केक हमारा बनके रेडी है। एक बार टूथपिक से या वुडन स्क्यूअर से आप एक बार चेक कर लें और इसे कुछ 2 से 3 घंटे के लिए ठंडा होने दें, उसके बाद ही इसे डीमोल्ड करें। आप इस केक को कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं। आप एक कढ़ाई में स्टैंड लगाकर 10 मिनट के लिए पहले प्री हीट कर लें और फिर उसमें केक को बेक करें। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, 45 से 50 मिनट्स लग सकते हैं, लेकिन केक उसमें भी रेडी हो जाएगा। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल हमारा सॉफ्ट एंड स्पंजी मावा केक बनके रेडी हुआ है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। टेक केयर, गुड बाय।
हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृताज कुकबुक। मैं हूं अमृता और आज हम बनाएंगे मूंग दाल का हलवा। विंटर्स में हर एक शादी या पार्टी में आपको ज़रूर ये टेम्पटिंग मूंग दाल हलवा सर्व किए हुए दिखेगा, तो क्यों ना आज इसे हम घर पर ही बनाएं परफेक्ट टेक्सचर और हाइजीनिक तरीके से, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। बहुत ही सिंपल रेसिपी है ये, बिल्कुल हम खोया या मावा यूज़ नहीं करेंगे और ना ही हम यूज़ करेंगे इसमें दूध। अगर आप चाहें तो खोया ऐड कर सकते हैं अपने स्वाद के अनुसार। इस रेसिपी में मेजरमेंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और इतनी मेजरमेंट से काफ़ी अच्छा बड़ा एक बोल हलवा तैयार हो जाएगा। तो चलिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ हम बनाते हैं आज की रेसिपी। मैं यहाँ लूँगी 1 3/4 कप दाल। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप जो कि 200 ml का है, और 3/4 कप के लिए हम लेंगे यहाँ 1/2 कप प्लस 1/4 कप। ये हो गया हमारा 3/4 कप, यानी कि 1 कप और 1/4 कप, कोई भी आप कप ले लें, मेजरमेंट्स यही रहेंगी। अब हम ये धुली मूंग दाल को एक बाउल में डाल के अच्छे से इसे वॉश कर लेंगे कुछ 6 से 7 बार। ये देखिए मैंने बहुत अच्छे से इसे धो लिया है, और इसे सोक करेंगे हम कुछ 1.5 से 2 घंटे हल्के गुनगुने पानी में। ये एक टिप है, आप गुनगुने पानी में ही इसे सोक करें विंटर्स में। दाल बहुत अच्छे से सोक हो गई है, बस 1.5 से 2 घंटे ही सोक करना है, ज़्यादा नहीं करना है। अब हम इसे मिक्सी में डाल लेंगे, जो एक्स्ट्रा पानी है वो इसमें ना डालें, बस सिर्फ हमें जितनी हो सके दाल डालनी है, हमें पानी ऐड बिल्कुल नहीं करना है। अगर बहुत ज़रूरत पड़ेगी तब हम 1 टेबल स्पून पानी ऐड करेंगे। कुछ इस तरीके से पल्स में हम दाल को पीसेंगे, बीच बीच में यूँ हम मिक्स करते जाएंगे। एक बार फिर से हम हिलाएंगे, बस इसी तरीके से हमें बहुत ही अच्छा एक फाइन पेस्ट बना लेना है दाल का। ये देखिए बहुत ही अच्छा पेस्ट बन गया है, एकदम स्मूथ टेक्सचर, बस हमें यही टेक्सचर चाहिए। अब हम इस दाल पेस्ट को एक स्ट्रेनर में डाल के कुछ 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इससे जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा इसका निकल जाएगा, और उसी बीच हम तैयार करेंगे अपनी चाशनी। हम यहाँ लेंगे 1.5 कप चीनी और 3.5 कप पानी, और डालेंगे 1 पीस छोटी इलायची का यूँ तोड़कर। हमें इसे बस अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो 2 कप चीनी भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से चीनी मिक्स हो गई है, हमें इसे बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है। और हम ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑरेंज कलर 1 ड्रॉप और 1 ड्रॉप रेड कलर, या फिर आपके पास केसर कलर है तो आप केसर कलर डाल लें, बहुत ही अच्छा ये देखिए कलर आ गया है। कलर डालना ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप कलर नहीं यूज़ करेंगे और आप शुगर सिरप को दाल में डालेंगे तो वो ब्राउन कलर का हो जाएगा, इसीलिए। ये देखिए मेरी दाल भी बहुत अच्छे से स्ट्रेन हो गई है, और हम यूज़ करेंगे मोटे बेस वाली कढ़ाई और ऐड करेंगे 1.5 कप देसी घी। आप रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देसी घी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसे मेल्ट करके हम डालेंगे 1/3 कप सूजी, फ्लेम यहाँ पर लो है, बस इसे धीमी आंच पे हमें सूजी को कुछ 1-1.5 मिनट के लिए पकाना है। ये देखिए, और अब हम इसमें डालेंगे अपना दाल पेस्ट यानी कि दाल पीठी, और बहुत ही सावधानी से इसे मिक्स करें क्योंकि देसी घी गर्म है और ये छलक सकता है बाहर। ये देखिए दाल पूरा देसी घी एब्जॉर्ब करते जा रही है और बहुत ही हैवी हो गई है अब ये। अब हमारा काम है इसे भूनना। अब मैंने यहाँ फ्लेम किया है हाई, और इसे हाई फ्लेम पर हम कुछ 5 से 7 मिनट के लिए भूनेंगे। इस प्रोसेस में दाल जो है वो नीचे लगनी चालू हो जाएगी, लेकिन हमें ध्यान रखना है दाल जले नहीं। दाल को बस इसी तरीके से करछी से हमें स्क्रेप करते जाना है और उसे प्रेस करते जाना है। स्क्रेप, मिक्स और प्रेस, यही टेक्निक यूज़ करनी है हमें पूरी दाल को भूनने के लिए। मैंने यहाँ स्टील की मोटे तले की कढ़ाई ली है, आप मोटे तले की ही कढ़ाई लें, नहीं तो दाल नीचे चिपक जाएगी और जल जाएगी। ये देखिए कुछ 7 मिनट हो गए हैं और अब मेरी दाल नीचे नहीं लग रही है,
लेकिन अभी भी ये दाल कच्ची है। अब ये यहाँ से शुरू होगी हमारी सेकेंड स्टेज। हमें इसे कुछ 15 से 20 मिनट के लिए बीच में हाई फ्लेम, फिर हल्का मीडियम फ्लेम करते हुए इसे मिक्स करते हुए, प्रेस करते हुए इसे भूनते जाना है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है ये, लेकिन बहुत ही टेस्टी मूंग दाल हलवा बनकर रेडी होगा। हर एक टेस्टी चीज़ के पीछे थोड़ी सी मेहनत तो लगती है। ये देखिए, कुछ 20 मिनट हो गए हैं और ये दाल अब इस तरीके से बहुत ही अच्छी भुन गई है। देसी घी भी रिलीज हो गया है और बहुत ही हल्की हो गई है ये देखिए। थोड़ा सा हम इसे और भून लेंगे ताकि देसी घी और रिलीज हो जाए। ये देखिए, एकदम परफेक्ट, बहुत ही अच्छा अरोमा आ रहा है, एकदम नटी टेक्सचर, नटी फ्लेवर। बस अब हम इस स्टेज पर इसमें ऐड करेंगे हमारा जो शुगर सिरप हमने प्रिपेयर किया था। थोड़ा थोड़ा शुगर सिरप डालते हुए इसे हम हिलाते जाएंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। थोड़ा सा ध्यान से करिएगा इसे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है, और अगर हम कलर यूज नहीं करते तो इसका कलर ब्राउन हो जाता। अब हम हाई फ्लेम पर ही इसे कंटिन्यूसली मिक्स करते जाएंगे। अब ये यूं इस तरीके से कस्टर्ड के जैसे हो जाएगा। इसे बस हमें मिक्स करते जाना है, कंटिन्यूसली हिलाते रहें। हलवे ने कढ़ाई की साइड्स छोड़नी चालू कर दी हैं। हमारा हलवा ऑलमोस्ट रेडी है, डन है। जो हम पार्टीज में हलवा खाते हैं वो इसी स्टेज का होता है, हल्का सा लूज, लेकिन हम इसे थोड़ा सा और 5 मिनट भूनेंगे। ये देखिए, बहुत ही अच्छा टेक्स्चर, परफेक्ट मूंग दाल हलवा बनके रेडी है। ये देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छा है, और देसी घी भी बहुत अच्छे से रिलीज हो गया है, और बहुत ही अच्छा अरोमा आ रहा है इस हलवे से। बस अब हम इसे गार्निश करेंगे थोड़े से चॉप्ड पिस्ता और बादाम के साथ। अगर आपको खोया ऐड करना है तो आप शुगर सिरप ऐड करने के जस्ट बाद ही ग्रेटेड खोआ ऐड कर दें। खोया से ये और थोड़ा सा हैवी और इसका टेक्सचर अच्छा हो जाता है, लेकिन मुझे ये इसी तरीके से पसंद है क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत देसी घी है। और इसका असली टेस्ट आता है जब ये कम्प्लीटली ठंडा हो जाता है और हम इसे दोबारा गर्म करके खाते हैं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। थैंक यू। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृताज कुक बुक। मैं हूँ अमृता, और आज हम बनाएंगे बहुत ही यूनिक, सिंपल और इंस्टेंट रेसिपी। आप कभी भी इसे झटपट से तैयार कर सकते हैं बिल्कुल कम तेल में। हमारे ये सूजी के पैनकेक्स, जो कि मैंने पिज़्ज़ा फ्लेवर में बनाए हैं, आपको बहुत पसंद आएंगे, स्पेशली बच्चों को। और बहुत ही फटाफट से ये सूजी पिज़्ज़ा पैनकेक्स रेडी हो जाते हैं। ये देखिए, यम्मी गर्मा गर्म स्टफ्ड पैनकेक्स। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो चलिए आइए बनाते हैं आज की रेसिपी। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक बोल में ली है 1 कप सूजी और 2/3 कप दही। इसे हम पहले अच्छे से स्पून से मिक्स कर लेंगे, और फिर इसमें ऐड करेंगे हम 1/2 कप पानी, और अच्छे से एकदम लंप फ्री बैटर बना लेंगे। ये देखिए, हमारा स्मूथ बैटर रेडी है, और अब हम इसे रेस्ट देंगे कुछ 15 से 20 मिनट के लिए। उसी बीच हम रेडी करेंगे अपनी पिज़्ज़ा सॉस। 1 शिमला मिर्च, 1 प्याज, 1 टमाटर, ये तीनों हमने मीडियम साइज के लिए हैं और उसे फाइनली चॉप कर लिया है। इसे एक बोल में डाल लें, और फिर हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून पिज़्ज़ा सॉस, जो कि हमें मार्केट में ईजिली मिल जाती है, और 1 टेबलस्पून शेज़वान सॉस, थोड़े से चिली फ्लेक्स, और 1 टीस्पून ओरिगैनो। इसे अच्छे से मिक्स कर लें, और हमारा पिज़्ज़ा मिक्सचर रेडी है। 20 मिनट हो चुके हैं, हमारी सूजी बहुत अच्छे से फूल गई है। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक और 1/4 कप पानी। बस टोटल 1/4 कप पानी लगा है।
ये कंसिस्टेंसी परफेक्ट है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून इनो यानी कि फ्रूट सॉल्ट और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। हमारा फ्लफी बैटर रेडी है। बस दूसरी तरफ मैंने एक नॉनस्टिक पैन गरम करने के लिए रख दिया था। बस थोड़ा सा उसमें ऑयल ऐड करके यूँ टिश्यू पेपर से हम पोंछ लेंगे और अब हम इसमें थोड़ा सा बैटर ऐड करेंगे और इसके ऊपर हम रखेंगे अपना जो पिज़्ज़ा मसाला रेडी किया है। बस थोड़ा थोड़ा मसाला यूँ सेट कर दें एकदम हल्के हाथ से और अब इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा बैटर डाल के इसे कवर कर देंगे। एकदम थोड़ा थोड़ा बैटर यूज़ करें और इसे अच्छे से कवर कर लें। बस अब हम इसे कवर करके इसे कुछ 2 से 3 मिनट के लिए एकदम सिम पर इसे छोड़ देंगे। कुछ 3 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए हमारा पूरा ऊपर से पैनकेक पक चुका है। बस एकदम थोड़ा सा इसमें तेल ऐड करेंगे और इसे यूँ फ्लिप कर देंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। बस अब हम अपना फ्लेम करेंगे हाई और इसे अच्छे से सेक लगा लें। ये देखिए हमारा पैनकेक रेडी है। बहुत ही फ्लफी यमी गर्मा गर्म स्टफ्ड पिज़्ज़ा पैनकेक रेडी है। इसी तरह हम अपने सारे पैनकेक्स बना लेंगे। गर्मा गर्म हमारे सूजी पिज़्ज़ा पैनकेक्स रेडी हैं बिल्कुल कम ऑयल में। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृताज कुक बुक। मैं हूं अमृता और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं ट्रेंडिंग टॉटिला रैप हैक, जो कि बनाने में बहुत ही सिंपल एंड इजी है और खाने में उतना ही डिलीशियस। इसे मैंने स्वीट एंड सेवरी दोनों तरीकों से बनाया है। सेवरी में हम बनाएंगे एग रैप और डेजर्ट में हम बनाएंगे फ्रूट एंड चॉकलेट डेजर्ट रैप। ये टॉटिला रैप्स बहुत ही ट्रेंडिंग है और इसके हम कई सारे वेरिएशंस बना सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले टॉटिला बनाने की रेसिपी देखते हैं। यहाँ मैंने एक बाउल में लिया है 1.5 कप मैदा, थोड़ा सा नमक, 1/2 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर और 1 टेबलस्पून देसी घी। यहाँ पर आप बटर भी ले सकते हैं। इसे हम सबसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम लेंगे 3/4 कप थोड़ा सा गर्म पानी। सारी चीज़ों को अच्छे से कंबाइन करके हम बनाएंगे एकदम मीडियम सॉफ्ट डो। अगर आपको लगे पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो आप थोड़ा सा सूखा मैदा डाल लें। ये देखिए सारा मैदा मैंने अच्छे से कंबाइन कर लिया है और अब हम इसे कुछ 8 से 10 मिनट के लिए अच्छे से गूंदेंगे। अच्छे से गूंदना बहुत ही ज़रूरी है जिससे हमारा जो डो है वो एकदम लाइट और सॉफ्ट बनेगा। ये तो रेसिपी है हमारी मैदे के टॉटिलास की, लेकिन आप ये रेसिपी में सिंपल जो आटे की रोटियां होती हैं उससे भी ये रैप बना सकते हैं। ये देखिए ये मैंने डो को टक कर दिया है। अब हम उसी बॉल में इसे ट्रांसफ़र करके कुछ आधे घंटे के लिए कपड़े से ढककर इसे रख देंगे। आधा घंटा हो चुका है। इस डो को हम फिर से 1 से 2 मिनट के लिए थोड़ा सा गूंद लेंगे और इसकी रोटी की जितनी छोटी हम लोई लेंगे और अब हम इसे एकदम पतला बेल लेंगे। एकदम पतली रोटी चाहिए हमें। आपको हो सकता है दिक्कत हो बेलने में तो आप थोड़ा सा सूखा मैदा लगाते जाएं और एकदम पतली थोड़ी बड़ी इस तरीके की रोटी बना लें और उसे मीडियम सेक पर 90% होने तक इसे दोनों तरफ से अच्छे से सेक लें। ये देखिए हमारा टॉटिला रेडी है और अब हम इसे एक टॉवल में कवर करके रखेंगे जिससे ये सॉफ्ट रहेगा। इसी तरह हम अपने सारे टॉटिलास रेडी कर लेंगे। ये देखिए कितना सॉफ्ट टॉटिला हमारा बनके रेडी हुआ है। और अब आता है हमारा मेन स्टेप, इसकी असेंबलिंग। सबसे पहले टॉटिला को यूँ आधे दूर तक कट कर लें। एक तरफ हम लगाएंगे मेयोनीज और दूसरी तरफ एग, बॉइल्ड एग्स। इस बॉइल्ड एग की जगह में आप कोई भी वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा चाट मसाला और काली मिर्च,
फिर हम लगाएंगे शेजवान चटनी और थोड़ी सी कैबेज और एक दो पीस टमाटर के, और सबसे लास्ट साइड में हम रखेंगे चीज़। और अब हम इसे रैप करेंगे कुछ इस तरह, एक फोल्ड किया, फिर दूसरा और फिर तीसरा। यही हमारा ट्रेंडिंग रैप हैक। बस ये देखिए कितना अच्छा फिलिंग, मज़ेदार हमारा रैप रेडी है। और अब हम इसे थोड़ा सा बटर लगा के सेक देंगे दोनों तरफ से। आप नॉर्मल पैन में भी इसे सेक सकते हैं, मैंने इसे ग्रिल पैन में सेका है, या आप सैंडविच मेकर में भी इसे सेक लगा सकते हैं। बस इसे गर्मा गर्म सर्व करें। बस हमारा ट्रेंडिंग रैप रेडी है। और अब हम बनाएंगे अपना डेजर्ट रैप। सेम उसी तरह से हम इसे कट करेंगे। एक साइड पर लगाएंगे हम चॉकलेट स्प्रेड, न्यूटेला या चॉकलेट सॉस, थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज, थोड़ी सी कीवी, और लास्ट साइड में हम लगाएंगे थोड़ा सा ऑरेंज जैम। चॉकलेट ऑरेंज का कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त रहता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। और सेम उसी तरीके से इसे रैप करें और बटर लगा के सेक लें और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। बहुत ही यमी डेजर्ट रैप बनता है ये, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए कितनी अच्छी लेयर्स बन गई हैं। बस हमारे दोनों ट्रेंडिंग रैप रेडी हैं। इंजॉय करें आप अपनी फैमिली के साथ। बच्चों को ये बहुत पसंद आता है, बड़ों को भी ये बहुत पसंद आएगा। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृताज कुक बुक। मैं हूं अमृता और आज हम बनाएंगे प्लम केक, क्रिसमस स्पेशल एगलेस प्लम केक विदाउट अल्कोहल। ट्रेडिशनल प्लम केक्स बनते हैं रम से, जिसमें हम ड्राई फ्रूट्स को रम में सोक करते हैं कुछ महीनों पहले, कुछ हफ्तों पहले या फिर 2 से 3 दिन पहले। बट आज हम बनाएंगे इंस्टेंट प्लम केक, जिसमें ड्राई फ्रूट्स को सोक करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, लेकिन टेस्ट और टेक्स्चर में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बहुत ही बढ़िया होता है। और हम ये केक बनाएंगे ऑरेंज जूस से। और अगर आप रम से बनाना चाहते हैं तो उसकी रेसिपी भी मैं साथ में ही शेयर करूँगी। आप इस क्रिसमस में ज़रूर ट्राई करें ये यमी प्लम केक। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आइए बनाते हैं हम आज की रेसिपी। हम लेंगे 3/4 कप कैंडेड फ्रूट्स, जिसमें है ड्राइड एप्रिकॉट, मिक्स्ड बेरीज, ऑरेंज पील, ड्राइड कीवी, ड्राइड क्रैनबेरी और किशमिश। आप टूटी फ्रूटी, खजूर, अंजीर वो भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इन सबको छोटे टुकड़ों में चॉप कर लेंगे। और अब हम एक पैन गरम करेंगे और उसमें लेंगे 1/2 कप ऑरेंज जूस, और उसमें हम डालेंगे अपने चॉप किए हुए सारे कैंडेड फ्रूट्स। और इसे हम इसमें कुछ 5 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल होने देंगे। ये है हमारा इंस्टेंट तरीका, जहाँ सोकिंग की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, कैंडेड फ्रूट्स सॉफ्ट एंड मशी हो जाएंगे, ये देखिए। और अगर आपको रम केक बनाना है तो आप यहाँ ऑरेंज जूस की जगह 1/2 कप रम यूज़ करेंगे। अब इन्हें ठंडा होने दें, एकदम साइड में रख दें। और अब सबसे पहले हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स छान लेंगे। मैंने यहाँ लिया है 1.5 कप मैदा, 1/4 टीस्पून जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ, 1/4 टीस्पून दालचीनी पाउडर, 1/4 टीस्पून जायफल पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1.5 टेबलस्पून कोको पाउडर। इन सबको हम अच्छे से छान लेंगे, छानना बहुत ही ज़रूरी है। और इन्हें स्पून से अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम एक दूसरे बाउल में लेंगे 3/4 कप कंडेंस मिल्क। हम यहाँ कंडेंस मिल्क यूज़ कर रहे हैं, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा केक में। और 1/2 कप बटर, यहाँ हमने सॉफ्ट बटर लिया है, मेल्टेड बटर नहीं चाहिए हमें। इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम कंडेंस मिल्क की जगह यहाँ 3/4 कप गाढ़ा दही भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ हमें 3/4 कप पाउडर्ड शुगर भी यूज़ करनी पड़ेगी, लेकिन कंडेंस मिल्क से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है।
ये देखिए बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गए हैं दोनों। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस और 1.5 टेबलस्पून हनी। हनी की जगह हम कैरमल सिरप भी यूज़ कर सकते हैं और 4 टेबलस्पून ऑरेंज जूस। आप रम केक बना रहे हैं तो आप यहाँ पर 4 टेबलस्पून रम डालेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स। ये देखिए 2 पार्ट में मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। बहुत ही हल्के हाथों से हमें इसे मिक्स करना है। बस अब हम इसमें डालेंगे अपने कैंडिड फ्रूट्स। और मैंने यहाँ लिया है 1/2 कप मिक्स नट्स, जिसमें बादाम, पिस्ता, काजू है, और थोड़ा सा हम मैदा लगा के इसे डस्ट कर लेंगे। और बस हम अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे। कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है, इसलिए मैंने यहाँ फिर से ऐड किया है 4 टेबलस्पून ऑरेंज जूस। इस केक की कंसिस्टेंसी थिक ही रहती है, एकदम फ्री फ्लोइंग नहीं रहती। बस हमारा जो स्पैचुला है आराम से इसमें हिलना चाहिए। ये कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है, ये देखिए। बस अब हम इसे अपने मोल्ड में डाल लेंगे। मैंने यहाँ लिया है 7 इंचेस का राउंड मोल्ड और उसे मैंने बटर लगा के और बटर पेपर लगा के उसे ग्रीस कर लिया है। अब हम अपना बैटर इसमें डालेंगे और अच्छे से इसे फैला लेंगे और इसे कुछ 8 से 10 बार टैप कर लेंगे। अब हम करेंगे इसकी डेकोरेशन। आप मन चाहा इस पर डिज़ाइन बना लें। मैं इसे कुछ ग्लेज चेरीज के साथ डेकोरेट कर रही हूँ। और मेरे पास यहाँ पर कुछ है आलमंड्स, चेरीज और पम्पकिन सीड्स। ये देखिए मैं कुछ इस तरीके से फ्लावर बना रही हूँ। आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। ये केक खाने में बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन क्योंकि हमने इसमें यूज़ किया है बटर, आप जब भी इसे सर्व करें रूम टेम्परेचर पर सर्व करें या फिर कुछ 10 सेकंड के लिए हर एक पीस को माइक्रोवेव कर लें, इससे इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। जो इसमें स्पाइसेस हमने ऐड की हैं उसका अरोमा बहुत ही अच्छा आता है गर्म करने से। ये देखिए मेरा केक ऑलमोस्ट डेकोरेट हो गया है और बस अब हम इसे बेक करेंगे। मैं इस केक को बेक करूंगी 160 डिग्री पर। कुछ 45 से 50 मिनट्स मुझे लगे थे बेक करने के लिए। इस टेम्परेचर पे केक बहुत ही अच्छा और बहुत ही सॉफ्ट बेक होता है। ये देखिए बहुत ही सुंदर हमारा प्लम केक रेडी है। एक बार इसे चेक कर लें और कट करने से पहले इसे कम से कम 2 से 3 घंटे ठंडा होने दें और फिर इसे इंजॉय करें गर्मा गर्म अपनी फैमिली के साथ। Merry Christmas and a very happy new year. Take care. Goodbye. Hi everyone. Welcome back to my channel. मैं हूँ अमृता और आज हम बनाएंगे ट्रेडिशनल एंड पॉपुलर इंडियन स्वीट बेसन की बर्फी। बहुत ही टेस्टी, मुंह में घुल जाने वाली, घर पर कोई भी सेलिब्रेशन के लिए या फिर फेस्टिवल्स में बेसन की बर्फी हमारी मिठाइयों की लिस्ट में सबसे ऊपर रहती है। तो चलिए आइए हम आज हम घर पे बनाते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले नॉनस्टिक पैन में 1/3 कप घी लेंगे। मेल्ट होते ही इसमें डालेंगे हम 1 कप बेसन। स्मूथ और अच्छी क्वालिटी का लें। बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर लें और लगातार चलाते रहें लो फ्लेम पर ताकि बेसन इवनली रोस्ट हो। मिक्स होते ही बेसन घी एब्जॉर्ब कर लेगा और लंपी हो जाएगा। कंटिन्यूअसली चलाते रहें और बेसन को घी में फ्राई करें। तकरीबन 8 से 10 मिनट फ्राई करने के बाद बेसन
घी रिलीज करने लगेगा और पिघलने लगेगा। हमें इसे लगातार चलाना है जब तक कि बेसन का कलर गोल्डन ना हो जाए और बहुत अच्छा नटी अरोमा ना आ जाए। ये देखिए बेसन गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, घी भी रिलीज हो गया है। इसे साइड में रख दें, गैस से उतार कर भी 2 मिनट चलाएं। और दूसरी तरफ हम चाशनी बनाएंगे। मैंने आधा कप चीनी ली है और 1/4 कप पानी। लगातार मिक्स करें और चीनी को अच्छे से डिसॉल्व कर लें हाई मीडियम फ्लेम पर। बॉईल होते ही ये थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी। बस हमें 1 थ्रेड कंसिस्टेंसी इसकी चाहिए। इसे कुछ इस तरह से चेक कर लें और फटाफट इसे बेसन मिक्सचर में मिक्स कर लें। लगातार और फटाफट इसे चलाते रहें क्योंकि इस पॉइंट पर बेसन हार्ड होना शुरू हो जाता है। अच्छे से मिक्स होते ही मिक्सचर थिक हो जाएगा और साइड्स छोड़ने लगेगा। ये देखिए हमारा बेसन मिक्सचर एकदम परफेक्ट है। जल्दी से इसे ग्रीस प्लेट में डालें। और इसे किसी भी स्पून के साथ, स्पैचुला के साथ इसे इवन कर लें ऊपर से। और कुछ 1 सेंटीमीटर की थिकनेस मैंने रखी है, आप अपने हिसाब से इसे शेप दे सकते हैं। ऊपर से इसे जरूर अच्छे से इवन कर लें। और इसे मैंने चॉप्ड पिस्ता के साथ गार्निश किया है। आप बादाम, सिल्वर वर्क, मनचाही कोई भी चीज से गार्निश कर सकते हैं। और थोड़ा सा इसे प्रेस कर लें और इसे 10 से 15 मिनट सेट होने दें। और इसे स्क्वायर या डायमंड शेप में कट कर लें और रूम टेम्परेचर पर ही इसे थोड़ी देरी सेट होने के लिए छोड़ दें। बस हमारी बहुत ही टेस्टी बेसन की बर्फी रेडी है। आप इसे एयर टाइट कंटेनर में रूम टेम्परेचर पर कम से कम 1 हफ्ते के लिए स्टोर कर सकते हैं। सेलिब्रेशन हो या फेस्टिवल, इसे घर पर बनाएं और सबको खिलाएं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृताज कुकबुक। मैं हूं अमृता और आज हम बनाएंगे कैरमल ब्रेड पुडिंग। बहुत ही सिंपल एंड ईजी, एकदम कम इंग्रेडिएंट्स में जो कि इजीली घर पर रहते हैं। बहुत ही बढ़िया सेट होती है ये विदाउट एग या जेलेटिन। खाने में ये बहुत ही डिलीशियस लगती है और बच्चों को तो ये बहुत पसंद आती है। और हम बनाएंगे इसे विदाउट ओवन या माइक्रोवेव स्टीम करके। देखिए कितनी बढ़िया सेट हुई है ये। मैं इसे आपको कट करके दिखाती हूँ। एकदम परफेक्ट टेक्स्चर है। चलिए आइए बनाते हैं आज की रेसिपी। इसके लिए हम सबसे पहले कैरमल बनाएंगे यानी चीनी को मेल्ट करेंगे। 1/4 कप चीनी ली है। फ्लेम लो से मीडियम रखेंगे, गैस पर हो या फिर इंडक्शन पर। चीनी धीरे धीरे मेल्ट होने लगी है। इस स्टेज पर चीनी का बहुत ध्यान रखें, मेल्ट होते ही बहुत जल्दी चीनी जल जाती है, इसीलिए इसे कंटिन्यूसली हिलाते रहें। बहुत अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है लेकिन हम थोड़ा डार्क ब्राउन करेंगे। बस परफेक्ट कलर है ये। इसे फटाफट मोल्ड में डाल देंगे। मैंने यहाँ एल्युमिनियम का केक मोल्ड लिया है। आप स्टील का किसी भी बर्तन, कोई भी यूज कर सकते हैं इसे सेट करने के लिए। इसे हिलाकर बस अच्छी तरह से फैला लें और सेट होने के लिए साइड रख दें। दूसरी तरफ मैंने 6 ब्रेड पीसेस लिए हैं। इसके साइड्स हम कट कर देंगे। मैंने यहाँ नॉर्मल वाइट ब्रेड ली है। आप ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं लेकिन वाइट ब्रेड से ही ये ज़्यादा टेस्टी बनता है। इसे कुछ इस तरह छोटे पीसेस में कट कर लेंगे ताकि हमें ग्राइंड करने में ईजी हो। इन सब को हम ग्राइंड कर लेंगे एकदम फाइन पाउडर में, कुछ इस तरह। अब हम एक पैन में 1 1/2 कप
दूध लेंगे नॉर्मल घर का रूम टेम्परेचर पर और ऐड करेंगे इसमें आधा कप चीनी। इसे विस्क की मदद से हिलाते रहेंगे। एक तरफ आधे कप पानी में हम एक चौथाई कप कस्टर्ड पाउडर मिक्स कर लेंगे ताकि कोई लम्स ना बने। अच्छे से मिक्स कर लीजिए एकदम। बस इसे धीरे धीरे दूध में ऐड कर लें और कंटिन्यूअसली हिलाते रहें ताकि ये जले नहीं। कस्टर्ड गाढ़ा हो गया है, हमें इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की फ्री फ्लोइंग ही रखें। और अब हम ऐड करेंगे इसमें ब्रेड क्रम्स। दो दो टेबलस्पून करके मिक्स करें, नहीं तो लम्स बन जाएंगे। एक बार डालें, अच्छे से मिक्स करें, फिर ऐड करें। इसी तरह कंटिन्यूसली हिलाते रहें। पूरा मिक्स करके बस हमें कुछ 1.5 से 2 मिनट इसे अच्छे से पकाना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत अच्छा मिक्स हो गया है हमारा कस्टर्ड और ब्रेड क्रम्स। बस ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अब हम इसे फटाफट हमारे मोल्ड में डाल देंगे। ऊपर से थोड़ा प्लेन कर लें। और 2 से 3 बार इसे टैप करें। एक बड़े बर्तन में स्टैंड लगाकर हम इसे स्टीम करेंगे मीडियम फ्लेम पर। इसे फॉइल से ढक देंगे ताकि इस पर मॉइस्चर सेट ना हो। 35 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे एक बार चेक कर लेंगे। आप फॉइल की जगह यहाँ पे एक थाली भी यूज़ कर सकते हैं। पुडिंग ने साइड छोड़ दी है, इसका मतलब ये स्टीम हो चुकी है। एक बार बीच में से चेक कर लेते हैं। कुछ 10 मिनट और स्टीम होने देंगे। आप जैसे भी चेक करें, टूथपिक या नाइफ से एकदम क्लीन कुछ इस तरह बाहर आनी चाहिए। 1.5 घंटा मैंने इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया था। साइड में एक बार नाइफ घुमा लें और एक प्लेट में डीमोल्ड कर लें। मुझे पूरे 45 मिनट्स लगे हैं इसे पूरा स्टीम होने में। हो सकता है आपको 5 मिनट या 10 मिनट और ज़्यादा या कम लगें। वाओ, देखिए कितनी अच्छी पुडिंग बनकर रेडी है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल अमृताज कुक बुक। मैं हूँ अमृता और आज हम बनाएंगे लेमन कोकोनट बर्फी विदाउट बेकिंग या गैस जलाए। बहुत ही इजीली अवेलेबल चीज़ों से ये मज़ेदार बर्फी बनकर तैयार हो जाती है। चीनी की मिठास के साथ नींबू की खटास और नारियल का स्वाद इस बर्फी को बहुत मज़ेदार बना देता है। इसके लिए हम लेंगे पार्ले जी बिस्किट। अराउंड 45 बिस्किट्स हैं ये। इसे तोड़कर मिक्सर में ग्राइंड कर एकदम फाइन पाउडर बना लेंगे। टोटल 2 कप बिस्किट क्रम्स होने चाहिए, कुछ इस तरह। इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप डेसिकेटेड नारियल यानी कि नारियल बुरादा और 1/2 टीस्पून लेमन जेस्ट। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। और इसमें अब ऐड करें 1/2 कप मेल्टेड बटर और 1/2 कप स्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क। अच्छे से मिक्स करें। साफ हाथों से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। देखिए एकदम अच्छे से कंबाइन हो गया है। इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का हो जाएगा। मैंने यहाँ 8 इंच का स्क्वायर मोल्ड लिया है, उसे बटर पेपर लगाकर बटर से ग्रीस कर लिया है। और अब बिस्किट मिक्सचर को इसमें डालकर अच्छे से कंप्रेस करें। एकदम इवन कर लें, कुछ इस तरह। और कम से कम 1/2 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दें सेट होने के लिए। दूसरी तरफ हम इसकी फ्रॉस्टिंग बनाएंगे। मैंने यहाँ 2 कप पाउडर्ड शुगर ली है। ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून फ्रेश लेमन जूस और 3 टेबलस्पून मेल्टेड सॉल्टेड बटर। इसे अच्छे से स्पून से मिक्स कर लें। और इलेक्ट्रिक हैंड मिक्सर के साथ इसे अच्छे से फेंट लें जब तक ये क्रीमी और गाढ़ा ना हो जाए। कुछ 2 से 3 मिनट लगेंगे इसमें। एक बार इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेते हैं। बस थोड़ा सा और करेंगे। आप हैंड विस्क भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। हमारा मिक्सचर सेट हो चुका है।
अब हम इस पर अपनी फ्रॉस्टिंग डालकर सेट करेंगे। चारों तरफ से एकदम इवनली स्प्रेड कर लें इसे। ये मिठाई खाने में बहुत टेस्टी लगती है, आप एक बार जरूर ट्राई करें। और इवन कर इस पर डालें सूखा नारियल, जो नारियल का बुरादा मैंने साइड पे रखा था थोड़ा सा ऊपर से गार्निश करने के लिए, और इसे कम से कम 1.5 से 2 घंटा फ्रिज में सेट होने दें। दो घंटे हो गए हैं और बहुत अच्छे से ये सेट हो गई है। इसे इक्वल स्क्वायर पीसेस में हम कट कर लेंगे। आप किसी भी शेप में इसे काट सकते हैं, बर्फी के शेप में भी काट सकते हैं। और याद रखें, इसे आप फ्रिज में ही रखें, बाहर बिल्कुल ना रखें। फ्रिज में एयर टाइट कंटेनर में इसे आप स्टोर कर सकते हैं। देखिए कितनी सुंदर परफेक्ट सेट हुई है ये, और खाने में भी ये उतनी ही टेस्टी लगेगी। मैं इसे आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितनी परफेक्टली सेट है ये। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृता'स कुक बुक। मैं हूँ अमृता और आज हम बनाएंगे चॉकलेट पैनकेक्स विद चॉकलेट ट्रफल। सुपर सॉफ्ट और फ्लफी चॉकलेट पैनकेक्स, इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन है चॉकलेट ट्रफल या चॉकलेट सॉस, या फिर आप इसे कैरमल सॉस या हनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ऊपर से चॉकलेट ट्रफल डालकर या फिर इस तरह चॉकलेट सैंडविच बनाकर अपने मन चाहे तरीके से इसे सर्व करें। तो इसे बनाने के लिए हम लेंगे 2 कप मैदा, 4 टेबलस्पून कोको पाउडर। इसे हम छान लेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे हम 6 टेबलस्पून पाउडर शुगर और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर। इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान के अच्छे से मिक्स कर लें। और अब हम लेंगे 400 ml दूध नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर और इसे धीरे धीरे मिक्स करके एक स्मूथ बैटर बना लेंगे। टीस्पून विनेगर और 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करें। और 3 टेबलस्पून मेल्टेड बटर, मैंने यहां सॉल्टेड बटर ही यूज किया है। बस इसे अच्छे से कंबाइन कर लें। बैटर थोड़ा सा थिक लग रहा है इसलिए मैं 2 टेबलस्पून दूध और ऐड कर रही हूं। इसकी कंसिस्टेंसी हम एकदम फ्री फ्लोइंग नहीं रखेंगे, थोड़ी सी थिक रखेंगे। और एक तरफ मैंने पैन को गर्म कर लिया है, थोड़ा सा बटर से ग्रीस कर लें और पेपर नैपकिन से पोंछ लें। और फ्लेम एकदम मैंने लो रखा है। एक फिक्स्ड नाप रख लें, मैंने यहाँ सबसे छोटा मेजरमेंट का 1/4 कप लिया है ताकि हमारे सारे पैनकेक्स एक साइज के बने। बस इसे 2 से 2.5 मिनट पकने दें, जब तक बबल्स ना आ जाएं। इस तरह बस इसे फ्लिप करके 1 मिनट और पका लें। ये देखिए हमारा पैनकेक बहुत अच्छा बन के रेडी हो गया है। इसी तरह हम अपने सारे पैनकेक्स बना लेंगे, फटाफट बनाएंगे। चाहे तो आप 2 फ्राइंग पैन यूज कर लें। 2 कप मैदे से 18 से 20 मीडियम साइज के पैनकेक्स बन के रेडी हो जाते हैं। ये देखिए सारे पैनकेक्स रेडी हैं, सॉफ्ट एंड फ्लफी। इसे सर्व करने के लिए हम बनाएंगे चॉकलेट ट्रफल, या फिर उसे आप चॉकलेट सॉस भी कह सकते हैं। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट और सुपर फ्लफी पैनकेक्स बने हैं। चॉकलेट ट्रफल बनाने के लिए मैंने ली है 1 कप फाइनली चॉप्ड डार्क चॉकलेट। इसमें ऐड करेंगे हम 4 टेबलस्पून हैवी क्रीम
और इसे 30 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे या फिर डबल बॉयलर मेथड से मेल्ट कर लें। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़े से लम्स लग रहे हैं इसलिए मैं इसे 10 सेकेंड्स के लिए और माइक्रोवेव करूंगी और इसमें 1 टेबलस्पून बटर डाल के इसे अच्छे से मिक्स करके बहुत अच्छी सी स्मूथ सॉस बना लेंगे। बटर ऐड करने से चॉकलेट सॉस में बहुत अच्छी शाइन आ जाती है। बस हमारी चॉकलेट सॉस रेडी है। इसे आप स्पून के साथ भी यूज कर सकते हैं या फिर पाइपिंग बैग में डालकर इसे मनचाहा डिजाइन बना लें। पाइपिंग बैग को फिल करके आप इसकी टिप कट कर लें। पैनकेक्स को चॉकलेट ट्रफल के साथ कुछ इस तरह से सर्व करें। और इसे डेकोरेट कर सकते हैं आप अपने मनचाहे स्प्रिंकल्स से कुछ इस तरह, या फिर आप बच्चों के लिए मनचाहा डिजाइन बना लें। ये देखिए बहुत ही सुंदर डिजाइन लग रहा है ये। या फिर आप चॉकलेट ट्रफल लगाकर सैंडविच बना लें, ये भी बच्चों को बहुत पसंद आता है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृता'स कुक बुक। मैं हूं अमृता और आज हम बनाएंगे तंदूरी चिकन टिक्का। बिना तंदूर, बिना ओवन, घर पर अपने ग्रिल पैन पर, बाहर से जितना रोस्टेड लुक, अंदर से उतना ही सॉफ्ट, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो चलिए हम बनाते हैं आज की रेसिपी। इसके लिए हम लेंगे 1 kg चिकन ब्रेस्ट, 1 inch के पीसेस में कट कर लिया है मैंने। धोकर इसे पेपर टॉवल से अच्छे से ड्राई कर लें जिससे अच्छे से मैरिनेट सोक करेगा। और फ्राई करने से पहले मैं आपको दूंगी एक बहुत ही सिंपल ट्रिक जिससे ये एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगा। हम इसे 2 बार मैरिनेट करेंगे और फर्स्ट मैरिनेशन के लिए हम इसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार, 1.5 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून लेमन जूस। इसे अच्छे से मिक्स करके आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने देंगे ताकि चिकन सॉल्ट एब्जॉर्ब कर ले और जो मीटी फ्लेवर है थोड़ा सा सबलाइम हो जाए। अब हम बनाएंगे अपना सेकेंड मैरिनेट। इसके लिए हम एक बाउल में 4 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल लेंगे, 2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 टेबलस्पून लेमन जूस, 1 teaspoon क्रश्ड कसूरी मेथी और 1 cup गाढ़ा दही। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और नमक स्वाद अनुसार। बस हमारा मैरिनेट रेडी है। इसमें डालेंगे हम अपने चिकन के पीसेस, लेकिन पीसेस को हम डायरेक्टली मैरिनेट के साथ नहीं डालेंगे, इसे थोड़ा निचोड़ कर डालेंगे कुछ इस तरह। फर्स्ट मैरिनेट का पानी रह गया है। चिकन पीसेस को मैरिनेट से अच्छी तरह से कोट कर देंगे और कम से कम 6 से 7 घंटे या फिर ओवरनाइट मैरिनेट करेंगे। और अगर आपको जल्दी है तो कम से कम 2 घंटे जरूर मैरिनेट करें। इसे हम फ्रिज में रख के मैरिनेट करेंगे। मैरिनेटेड चिकन रेडी है। अब हम इसे वुडन स्क्यूअर्स में लगाकर सेट करेंगे। मैंने वुडन स्क्यूअर्स को आधा घंटा पानी में भिगो के सॉफ्ट कर लिया है ताकि ये जले नहीं। 4 से 5 पीसेस का एक सेट बना लेंगे। चिकन टिक्का रोस्ट करने के लिए रेडी है। इसके लिए हम लेंगे ग्रिल पैन, आप नॉर्मल पैन भी ले सकते हैं। इसे हम हाई हीट पर गर्म कर लेंगे और 1 टेबलस्पून ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। और जो ट्रिक है वो ये है, एकदम हाई हीट पर जब पैन एकदम गर्म हो हमें टिक्का प्लेस करना है
इमीडिएटली हमें इसे पलटी करना है, क्योंकि ये हाई फ्लेम पर है। हमें इसकी ऊपर की लेयर पका लेनी है ताकि इसका मॉइस्चर अंदर ही लॉक हो जाए। फिर फ्लेम को मीडियम लो करके 12 से 15 मिनट इसे पका लेंगे ताकि ये अंदर से पक जाए। रेस्टोरेंट स्टाइल तंदूरी चिकन टिक्का घर पर बनाने के लिए ये सिंपल ट्रिक ज़रूर ट्राई करें। लगभग 15 मिनट हो चुके हैं और हमारा टिक्का रेडी है। एकदम जूसी, डिलीशियस, कलर भी बहुत सुंदर आया है। बस अब हम इसे सर्व करने की तैयारी करेंगे। इस पर स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा लेमन जूस और सर्व करेंगे इसे ग्रीन चटनी और फ्रेश अनियंस के साथ। देखने में बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा और खाने में एकदम जूसी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृताज कुक बुक। मैं हूं अमृता और आज हम बनाएंगे ब्रेड उपमा, वो भी एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट के साथ जो इसे बहुत ही टेस्टी बनाएगा। और एकदम फटाफट 15 मिनट में ब्रेकफास्ट या फिर स्नैक्स के लिए आप इसे रेडी कर सकते हैं। बच्चों और बड़ों सबको ये बहुत पसंद आता है। आप इसे टी टाइम या फिर पार्टी स्नैक्स की तरह भी सर्व कर सकते हैं बहुत ही कम समय में और इजिली घर पर अवेलेबल इंग्रेडिएंट से। मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आइए बनाते हैं आज की रेसिपी। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे 5 पीस ब्रेड। ये एकदम ताजी ब्रेड नहीं है, थोड़ी सी हार्ड है। इसे मीडियम फ्लेम पर ड्राई रोस्ट कर लें, यानी कि थोड़ा सा सेक लें विदाउट बटर या ऑयल। एकदम पुरानी ब्रेड लेनी है ताकि ये थोड़ी शेप होल्ड कर सके। इसी तरह सारे ब्रेड पीसेस को हमें सेक लेना है दोनों साइड से। और ब्रेड को मैं सीजर से छोटे पीसेस में कट कर लूंगी। आप नाइफ के साथ भी इसे कट कर सकते हैं और इसे कट करके आप साइड में रख लें। दूसरी तरफ आप एक पैन या कढ़ाई में 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल गरम कर लें और गरम होते ही इसमें डालें 1/4 टीस्पून जीरा और 1/4 टीस्पून सरसों। क्रैकल होते ही डालें 8 से 10 करी पत्ता, 1/2 टीस्पून चॉप्ड अदरक, 1 बड़ा प्याज और स्वाद अनुसार हरी मिर्च। इसे कुछ 1 मिनट सौते कर लें। इसे हमें ज्यादा भूनना नहीं है, बस हल्के से ट्रांसलूसेंट होते ही इसमें हम डालेंगे 3 कद्दूकस किए हुए टमाटर। आप इसे मिक्सी में भी पीस के प्योरे बना सकते हैं। बस कुछ 1 मिनट इसे भी मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। फिर इसमें ऐड करें स्वाद अनुसार नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। बस टमाटर का रस ऑलमोस्ट सूख गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून टमाटो सॉस या केचप। मैंने हॉट एंड स्वीट टमाटो सॉस यूज की है, आप केचप भी यूज कर सकते हैं। और 1 टेबलस्पून पानी ऐड करके थोड़ी सी थिक सॉस बना लें। और अब हम इसमें डालेंगे वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट टेस्ट मेकर, 1/2 टीस्पून सांबर मसाला, जो कि इस उपमे को साउथ इंडियन टच देगा और इसका टेस्ट बढ़ा देगा। और आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। बस अब हम इसमें ऐड करेंगे ब्रेड पीसेस, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा गर्मा गर्म ब्रेड उपमा रेडी है। इसे फटाफट सर्व करें, नहीं तो ये सॉगी हो जाएगा। और इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। इसे धनिया के साथ गार्निश करें। और अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृताज कुक बुक। मैं हूं अमृता और आज हम बनाएंगे फेमस स्ट्रीट फूड मटर कुलचा, यानी कि छोले कुलचे। ये बहुत ही फेमस नॉर्थ इंडियन स्ट्रीट फूड है, स्पेशली दिल्ली में आपको हर एक रोड साइड पर ये जरूर दिख जाएंगे। स्पाइसी मटर और ब्रेड कुलचा साथ में मजेदार अचारी हरी मिर्च, परफेक्ट चाट कॉम्बिनेशन है। सॉफ्ट और फर्मेंटेड कुलचा मिनी ब्रेड की तरह जालीदार और स्पॉन्जी होता है। बहुत ही अच्छी जाली बनी है और खाने में ये बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए आइए बनाते हैं आज की रेसिपी। मैंने 2 कप सफेद मटर लिए हैं। इसे धोकर 5 से 6 घंटे या फिर ओवरनाइट भिगो लें और फिर दोबारा 2-3 बार धोकर इसे कुकर में डालें और मटर बस भीग जाए उतना ही पानी डालें। नमक और हल्दी डालकर 2 से 3 विसल आने तक इसे बॉईल कर लें।
ये देखिए मटर बॉईल हो गए हैं, इसे एक बार चेक कर लें। मटर बहुत अच्छे से गल गए हैं और हम इसे थोड़ा सा मैश कर लेंगे ताकि ये थोड़े स्टार्ची हो जाएं। और दूसरी तरफ हम बनाएंगे धनिया और पुदीना की चटनी। मैंने थोड़ा सा पुदीना लिया है, थोड़ा सा धनिया, दो हरी मिर्च और एक इंच अदरक और स्वाद अनुसार इमली का पानी। ये देखिए चटनी रेडी है, हम इसे साइड में रख देंगे। और अब हम बनाएंगे अचारी मिर्च। उसके लिए मैंने आधा टीस्पून हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, आमचूर पाउडर और नमक स्वाद अनुसार लिया है और दो टेबलस्पून मिक्स्ड अचार का मसाला ऐड करें। अच्छे से मिक्स कर लें और एक टेबलस्पून पानी डालकर एक पतला सा पेस्ट बना लें। अब हम इस पेस्ट को एक टीस्पून ऑयल डालकर गरम कढ़ाई में थोड़ा सा भून लेंगे। एक टेबलस्पून पानी और घोलकर डाल लें और पानी सूखते ही फ्लेम ऑफ कर दें और फिर डालें 8 से 10 आधी कटी हुई हरी मिर्च। बस मिक्स करके इसे साइड में रख दें। बस हमारी हरी मिर्च रेडी है। दूसरी तरफ हम करेंगे अपनी कुलचे की तैयारी। इसके लिए हम ईस्ट को पहले एक्टिव करेंगे। 1/4 कप हल्के गर्म पानी में 3 टीस्पून पिसी हुई चीनी ऐड करें और 2 टीस्पून ड्राई एक्टिव ईस्ट। इसे अच्छे से मिक्स करके एक्टिव होने के लिए 5 मिनट के लिए रेस्ट दें। तब तक हम एक बाउल में 2 कप मैदा छान लेंगे। और ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक। और हमारा ईस्ट बहुत अच्छे से एक्टिव हो गया है, ये देखिए बबल्स। स्पून से ही इसे मैदे में अच्छे से मिक्स कर लें। और फिर हाथ से इसे अच्छे से गूंद लें। ऑलमोस्ट 1/4 कप पानी और मैंने यूज किया है, मतलब टोटल 1/2 कप पानी यूज हुआ है। 2 टीस्पून ऑयल ऐड करके इसे अच्छे से इकट्ठा कर लें। बहुत ही स्टिकी डो बनेगा, लेकिन बिल्कुल परेशान ना हो, ये गूंदते गूंदते बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अब इस डो को फ्लैट सरफेस पे रखकर थोड़ा सा सूखा मैदा डालकर इसे कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए गूंद लें। अच्छे से टक करके इसे ग्रीस्ड बोल में कम से कम 1 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए किसी गर्म जगह पर रख दें। ये देखिए डो बहुत अच्छा फर्मेंट हो गया है। इसे पंच करके एक बार गूंद लें और पेड़े कट कर लें। 2 कप मैदे से 7 मीडियम साइज के कुलचे बन जाएंगे। अब हम एक स्टील की मीडियम साइज की थाली लेंगे, उसे ग्रीस कर लेंगे और पेड़े को कुछ इस तरह प्रेस करते हुए फैलाएंगे। थोड़ा धनिया और काला जीरा डालते हुए इसे प्रेस कर लें। बस हमारा कुलचा बेक होने के लिए रेडी है। हम इसे बेक करेंगे कढ़ाई में और मैंने कढ़ाई में नमक और स्टैंड लगाकर इसे 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर प्रीहीट कर लिया है। और अब हम इसे ढककर 8 से 10 मिनट के लिए लो से मीडियम फ्लेम पर बेक कर लेंगे। ब्रेड कुलचा बहुत अच्छे से बेक हो गया है, इसने साइड्स भी छोड़ दी हैं। इसी तरह हम सारे कुलचों को बेक करके रख लेंगे। ये देखिए दूसरा कुलचा। ये देखिए कुलचा कितना अच्छा बेक हुआ है, मैं आपको पीछे से दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल हमारी परफेक्टली बेक्ड ब्रेड है ये। सारे कुलचे रेडी करके बस साइड में रख लें और सर्व करने से पहले हम इसे सेक लेंगे। अब हम रेडी करते हैं अपना मटर मसाला। गर्मा गर्म मटर में हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज और थोड़ा सा गार्निश करने के लिए साइड में रख लेंगे बारीक कटे हुए टमाटर, थोड़ी सी हरी मिर्च,
थोड़ा सा अदरक, हरा धनिया, 2 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, स्वाद अनुसार चाट मसाला, 2 टीस्पून आमचूर पाउडर, धनिया पुदीना की चटनी जो हमने पहले रेडी की थी, काला नमक, सफेद नमक, सब कुछ खट्टा और तीखा अपने स्वाद अनुसार, और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। बस हमारा मटर मसाला रेडी है, और अगर आपको ये ठंडा लगे तो आप सर्व करने से पहले से हल्का सा गर्म कर लें। अब हम फटाफट अपने ब्रेड कुलचे को सेक लेंगे। थोड़ा सा बटर या फिर ऑयल लो से मीडियम फ्लेम पर कुलचे को लाइट ब्राउन होने तक सेक लें। ये देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। बस हमारा ब्रेड कुलचा रेडी है। अब हम करेंगे इसकी प्लेटिंग। सर्व करने से पहले मटर मसाला गार्निश कर लें। थोड़ी सी प्याज, टमाटर, धनिया और स्वाद अनुसार नींबू के रस से। और हमारी अचारी मिर्च, इसे गर्मा गर्म सर्व करें और अपने स्वाद के अनुसार खट्टा और तीखा एडजस्ट करें। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।